आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है, पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वही ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य जानकारी के अलावा आपके घर का पता भी होता है। ऐसे में अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में भी पता अपडेट करने की ज़रूरत होती है। यह बेहद ज़रूरी है। जाहिर है अक्सर सरकारी या निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का एक शहर से दूसरे शहर में तबादला होता रहता है। ऐसे हालात में उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस में भी पता वहीं का हो जहां वे रह रहे हैं। पहले ड्राइविंग लाइसेंस पता बदलना बहुत मुश्किल भरा काम था। इसे पूरा करने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह काम बड़ा आसान हो गया है। अब घर बैठे बड़े आराम से ड्राइविंग लाइसेंस में पता चेंज किया जा सकता है। इसके लिए बस अब आपको हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं। यहां आपको ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लें। अब जो मेन्यू आपके सामने खुलेगा उसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करें। इसके बाद एक बॉक्स बना हुआ होगा, उस पर सेलेक्ट द स्टेट लिखा होगा, वहाँ अपने राज्य का चयन करने का काम करें। अब जो पेज खुलेगा उस पर पांचवें नंबर का ऑप्शन अप्लाई फॉर चेंजेस एड्रेस लिखा होगा, उस पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, फिर गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करें। यहां चेक कर लें कि आपने डिटेल सही भरा है या नहीं। इसके बाद आरटीओ को सेलेक्ट कर लें और प्रोसीड पर क्लिक करें, फिर चेंज फॉर एड्रेस ऑन डीएल विकल्प पर क्लिक कर दें। परमानेंट, प्रेजेंट या बोथ ऑप्शन में किसी एक को चुन लें और कंफर्म पर क्लिक कर दें। अपने डिटेल्स को सबमिट कर दें, साथ ही प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये है उसे भी भर दें। इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।